Hello student, good morning all of you. Today is standard 4th subject में से जो मैं टेक्स्ट बुक से स्टार्ट कर रही हूँ, चैप्टर नंबर 4, टिक टिक टिक। इसकी साउंड सुन के आपको पता चल जाएगा कि ये किसकी साउंड है। तो ऑफ कोर्स ये एक घड़ी घड़ी की आवाज़ आती है, ये उसकी साउंड है, टिक टिक टिक। तो हम आज ये घड़ी के बारे में, ये हमारा चैप्टर है, तो हम ये चैप्टर में रीड करना स्टार्ट कर रही हूँ। पंकज एंड सानिया वे डिस्कसिंग वो होम इज फर्दर फ्रॉम स्कूल। तो पंकज एंड सानिया है, वो डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा स्कूल है वो घर से कितना दूर है। तो जो पंकज है वो बोलता है, आई हैव टू वॉक फॉर 5 मिनट टू रीच स्कूल, क्योंकि मैं 5 मिनट अपने घर से चल के स्कूल पहुंचता हूँ। तो सानिया कहती है, आई जस्ट वॉक फॉर 2 मिनट टू रीच स्कूल। तो वो कहते हैं कि मैं 2 मिनट से मैं घर से स्कूल पहुंच जाती हूँ। पंकज कहता है, इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। योर होम इज फर्दर फ्रॉम द स्कूल, तुम्हारा घर तो स्कूल से बहुत ही दूर है। बट आई चेक माई वॉच, तो सानिया कहती है कि मैं अपनी वॉच चेक करती हूँ। आई स्टार्ट फॉर स्कूल एट 7 o'clock, तो फिर वो कहती है कि मैं 7 बजे स्कूल से घर से निकलती हूँ। When I reach school, the minute hand point at 2, यानी कि जो वो घर से निकलती है 7 बजे, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ पे देखो ये 12 पर है, और जब वहाँ से स्कूल पहुँचती है तो वो मिनट हैंड है कहाँ पे चला जाता है, तो ये रहा, तो ये 2 पर पहुँच जाता है। तो कहते हैं, सो शुड नॉट इट बी 2 मिनट पास 7 और 7 7:02 है। तो वो कहते हैं कि 2 मिनट, यानी कि उसने कैसे गिनती की, ये फर्स्ट और ये सेकंड, यानी कि 2 मिनट 1 एंड 2, यानी कि मैं 7:02 पे पहुंच जाती है, यानी कि हुआ ना इसका टाइम 2 मिनट 7:02। तो जो पंकज बोलता है, यू आर रॉन्ग, तुम रॉन्ग हो, यू रीच स्कूल एट 7:10, यानी कि 7:00 तुम स्कूल 7:10 पे पहुंचती हो। हाउ, वो कैसे, सानिया कहती है, पंकज कहता है, कैन यू सी दिस दिन थिन लाइन्स बिटवीन द नंबर। तो यहाँ पे देखो थिन लाइन्स है, वो तुमने उसके लाइन है वो आप तुमने नहीं गिनी है इस नंबर पर। यस, शो व्हाट, क्या कहते हो, द मिनट हैंड मूव अक्रॉस 10 लाइन आफ्टर 12, यानी कि जो मिनट हैंड है, देखो यहाँ पे मिनट, ये मिनट हैंड है वो थिन होता है, सॉरी थिक होता है, और जो आवर हैंड होता है वो होता है थिन। तो जो मिनट हैंड के जो वो सानिया घर से निकलती है तो 12 पर था, अब वो आया 2nd पर। तो देखो यहाँ पे थिन लाइन है, वो 12 और 2 के बीच में तो कितनी है, ये 10 है। तो इसका मतलब है कि टाइम हुआ 7:10, यानी कि 7:10। आई स्टार्ट फॉर स्कूल एट 7, तो मैं 7 जो ये पंकज जी वो कहता है कि मैं 7 बजे से घर से निकलता हूँ, एंड आई रीच एट 7:05, सी द मिनट हैंड मूव अक्रॉस 5 लाइन। तो मैं 5 मिनट में जो 7:00 में घर से निकलता हूँ और 5 मिनट में मैं स्कूल पहुँच जाता हूँ, तो जो मिनट हैंड है वो 5 लाइन क्रॉस करती है। तो इसका मतलब हुआ कि मैं 7:05 पर स्कूल पहुँच जाता हूँ। तो ये पंकज जी उसको समझाता है, और जो सानिया है वो कहती है कि
वो 2 मिनट में स्कूल पहुंच जाती है। लेकिन जो सही क्या है कि जो देखो यहाँ पे क्रॉस लाइन है, 12 से 1 से 20 में 5 क्रॉस लाइन होती है, और 1 से 2 के बीच में और 5 लाइन, यहाँ पे 5 लाइन, यहाँ पे 5 लाइन, तो ये पूरा का पूरा वो होता है 5 5 लाइन का होता है गेप, तो पूरा का पूरा वो 16 मिनट का होता है, जो मिनट हैंड होता है वो। प्रैक्टिस टाइम फर्स्ट है, 3 फ्रेंड्स रीड टाइम फ्रॉम अ क्लॉक, हु इज राइट। तो 3 फ्रेंड से वो टाइम रीड करते हैं क्लॉक पे और अपना अपना सजेशन बताते हैं, हु इज द राइट, तो कौन राइट है वो आपको चेक करना है। तो यहाँ पे घड़ी पे देख लो, यहाँ पे चीकू है, बीटू है और पिंकी है। तो घड़ी पे क्या है, जो ये थीन लाइन, ये थीन है वो, थीन लाइन है वो आवर्स हैंड है, एंड ये है थिक लाइन, वो है मिनट्स हैंड है। तो चीकू कहता है कि 12:03, बीटू कहता है कि 12:15, एंड पिंकी कहती है कि 3:00। तो हमारा सही आंसर कौन सा आएगा, क्योंकि सही आंसर है हमारा 3:00, तो ये हमारा सही है। नेक्स्ट पर है कि जो हमारा ये टाइम क्या हुआ है, तो देखो यहाँ पे आवर्स हैंड है वो 5 और 6 के बीच में है, एंड मिनट्स हैंड है वो 7 पर है। तो इसका टाइम क्या हो, तो चीकू कहता है कि 7:25, और जो बिट्टू है वो कहता है कि 5:07, एंड पिंकी कहती है कि 5:35। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितना, तो देखो ये है 5 और 6 के बीच में है, और हमें 12 से स्टार्ट करना है और 7 तक जाना है। तो यहाँ पे क्रॉस लाइन 5 है, यहाँ पे क्रॉस लाइन 5 है, यहाँ पे क्रॉस लाइन 5 है, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35। तो इसमें जो मिनट हैंड है वो 35 से 7 तक पहुँचा है, तो वो कितने मिनट ली उसने, जबकि 35 क्रॉस, तो इसका आंसर आएगा 5:35। तो इसका, तो पिंकी है वो सही कहती है। फिर नेक्स्ट है कि जो आवर हैंड है वो 7 पर है, एंड जो मिनट हैंड है वो 3 पर है। तो चीकू कहता है कि 3:35 हुई है, बीटू कहता है कि 7:03 हुई है, एंड जो पिंकी है वो कहते हैं कि 7:15 है। तो देखो हम चेक करेंगे कि आवर्स हैंड है वो 7 पर है, एंड जो मिनट्स हैंड है वो 3 पर है। तो 12 से लेके उसने कितने क्रॉस लाइन किए मिनट हैंड ने, जो कि 12 से स्टार्ट करके 3 पर, तो 5, 10 एंड 50 आवर हैंड है वो 7 पर है, यानी कि इसका जो राइट टाइम है वो है 7:15। तो यहाँ पे है वो 7:15, तो ये हमारा राइट टाइम है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, शो द फॉलोइंग टाइम इन द क्लॉक। तो हमें यहाँ पे टाइम दिया गया है, उसको हमें शो करनी है क्लॉक पे। तो 3:03 एंड 10 मिनट, तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो है आवर हैंड होगा, 3 हमारा आवर हैंड पर होगा और 10 हमारा मिनट हैंड पर होगा। तो मैं यहाँ पे 3 है वो आवर हैंड पर कर रही हूँ, एंड 10 मिनट्स यानी कि जो मिनट्स हैंड है वो थोड़ा सा लंबा होता है, एंड जो आवर हैंड है वो शॉर्ट होता है। तो सेकंड है 6:40, तो 6:00 हमारा, 6 पर हम आवर हैंड करेंगे, एंड 40 मिनट, 40 मिनट हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट एंड 40 मिनट, तो हमारा जो मिनट हैंड है वो 8 पर आएगा। फिर नेक्स्ट है 4:45, तो आवर्स में आवर हैंड पर 4 आएगा, तो आवर्स हैंड है हमारा 4। तो देखो यहाँ पे नंबर नहीं, तो हमें ऑलरेडी यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12 है, 12 के बाद क्या आएगा, 1 एंड 2, 3, 4, तो ये हमारा आवर हैंड यहाँ पे आएगा, एंड 45 मिनट। तो यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 20, 25, 30,
40 एंड 45, तो हमारा ये आ गया आंसर यहाँ पे 45। फिर है 10 o'clock 20, 10 o'clock 2 o'clock 20, तो हमारा जो आवर हैंड है वो 2 पर आएगा एंड 20 यानी कि 5, 10, 15 एंड 20 मिनट हैंड है वो 4 पर आएगा। नेक्स्ट है 3 o'clock 15 मिनट, तो 3 आवर हैंड हमारा 3 पर आएगा एंड 15 यानी कि जो मिनट हैंड वो भी हमारा 3 पर ही आएगा। तो मैंने मिनट हैंड थोड़ा सा लंबे जो लंबी लाइन खींची है तो आपको पता चल जाएगा कि ये 3 o'clock एंड 15 मिनट। फिर नेक्स्ट है 7 o'clock 35 मिनट, 7 o'clock यानी कि यहाँ पे 6 है यहाँ पे 7 आएगा, ये हमारा 7 o'clock एंड 35 मिनट, तो वो भी हमारा देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35, तो वो भी सेम टू वैसे ही हमारा आएगा इस तरह से, लेकिन थोड़ा सा लंबी की लाइन खींचेंगे जिसे इस तरह हुआ ऐसे 7 o'clock 35 मिनट। डू यू लाइक स्काई वॉचिंग, क्या आपने कभी स्काई को देखा है? इफ यस देन दिस वन शुड इंटरेस्टिंग यू, तो उसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग जो बातें होती है। तो फर्स्ट है एट वॉट टाइम डज द सन राइज एट योर प्लेस, तो जो सन राइज होता है यानी कि सूरज कब उगता है, तो देखो कभी कभी जो समर का टाइम होता है तो सन राइज होता है 6 बजे, फिर सॉरी समर का टाइम होता है तो वो 6 या 7 के बीच में से कोई भी टाइम ले सकता है, लेकिन विंटर का टाइम हो तो 6 बजे, तो मैं एग्जिट में नहीं ले लेकिन मैं यहाँ पे टाइम दिखाती हूँ 6 o'clock पर वो सन हमारा राइज होता है। तो 6 कैसे, क्योंकि यहाँ पे आवर्स हैंड यहाँ पे होता है हमारा मिनट हैंड, तो 6 o'clock पे सन राइज होता है। व्हेन डज द सनसेट, तो हम सनसेट कैसे करना है कि सनसेट यानी कि जब सूरज दिन ढल जाता है तो सनसेट कब होता है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 6:13 पे, तो मिनट हैंड है वो 6 और 7 के बीच में आएगा, और जो 30 मिनट यानी कि 6 पर मिनट हैंड आएगा। डज द सनराइज एंड सेट एट द सेम टाइम एवरी डे, तो क्या वो जो सनराइज और सूरज उगता है और सूरज ढलता है तो क्या उसका जो ढलने और उगने का जो टाइम है वो क्या सेम होता है, तो कि नो, कि ये सन डज नॉट राइज एंड द सेम टाइम एवरी डे, यानी कि सूरज और जो उगता है और ढलता है वो सेम टाइम उसका नहीं होता है हर रोज। लुक एट द न्यूज़ पेपर एंड सी द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट इन द डिफरेंट मंथ, तो क्या आपने कभी न्यूज़ पेपर में देखा होगा कि जो सन उसमें भी टाइम दिखाया जाता है कि सन अभी कब किसके टाइम पर उगता है एंड कितने टाइम पे जो सन है वो चला जाता है, यानी कि सनसेट एंड सनराइज वो डिफरेंट मंथ में डिफरेंट टाइम के होते हैं। आपने कभी न्यूज़पेपर तो पढ़ा होगा पर लेकिन ये देखा नहीं होगा कि न्यूज़पेपर में सनराइज और सनसेट कैसे किया है लिखा उसमें लिखा होता है न्यूज़पेपर में, तो आपके पास न्यूज़पेपर है तो आप उसमें लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रही हूँ, ये अच्छे से आपको क्लॉक के बारे में आपको अच्छे से लर्न करना है एंड राइट करना है टेक्स्ट बुक में।